स्टैमरिंग, बोले तो हिंदी में बोले तो अकलाना, डिप्रेशन का दूसरा नाम। तो दोस्तों मैंने देखा कि स्टैमरिंग पर्सन है दूसरों से बोले में कतराते हैं, डरते हैं काफ़ी, उन्हें डर लगता है कि कहीं कहीं वो अटक न जाए शब्दों पर, बोलते बोलते अपनी बात ठीक से कह पाएंगे कि नहीं, अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते, स्पीच देने में काफ़ी डर लगता है, पब्लिक प्लेस पर बोलने में उन्हें बहुत डर लगता है, फ़ोन कौन से लेने में भी बहुत डर लगता है। मुझे भी बचपन से स्टैमरिंग है और मैंने बहुत समय बाद मैंने स्पीच थेरेपी भी ज्वाइन की थी, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उसके बाद खुद सोचा कि नहीं मुझे इसे ठीक करना, तो मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स पर वर्क किया, मैंने खुद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स, जो मुझे जितनी भी सारी कहीं से टेक्निक्स मिली या जितनी भी आइडियाज़ मिले ठीक से बोल पाने के, उन्हें मैं एक पेज पर लिख लेता हूँ और उन्हीं को सोचता हूँ इन्हीं को लाइफ में अप्लाई करो, और जिससे काफ़ी स्टैमरिंग खत्म तो नहीं होती लेकिन रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ दो टेक्निक्स पर बात करूँगा। जैसे कि मेरी टेक्निक्स देखी, जैसे कि मैं अपनी सारी टेक्निक्स पेजेस पर लिख लेता हूँ या फिर जितने भी आइडियाज़ टेक्निक जो भी मुझे मिलता है, ऐसे देखिए ये दिस दिस एंड दिस, इसमें बहुत सारे लिख लेता हूँ स्पीच थेरेपी के एडिंग डाल के। तो मैं आज अपन सिर्फ दो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स पर बात करेंगे। पहली तो है फिंगर टैपिंग और सेकंड है डिलेड ऑडिटरी फीडबैक। पहले अपन बात करते हैं फिंगर टैपिंग पर। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आप एक सेंटेंस आप ईजिली बोल सकते हैं, हालांकि आप बहुत लंबी वाना बोल रहे हैं लेकिन एक सेंटेंस बहुत ईजी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोलने में स्टैमरिंग आ रही है, आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाएंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपको लग रहा है कि स्टैम हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये इस तरह से बोलना है। देखिए जैसे कि आपको एक फिंगर को टैप करना और बोलना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपको इस तरह से एक एक फिंगर को टैप करना और एक एक वर्ड बारी बारी से बोलना है, तो आप पाएंगे कि आपकी स्टैमिना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। आइए आप खुद भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, हालांकि आप हर बार नहीं बोल पाएंगे लेकिन आप कई बार इससे आपकी स्टैमिना रिड्यूस हो जाएगी, और यही हमारा एम है, ना कि इसे क्योर करना। और दोस्तों सेकंड टेक्निक डिलेड ऑडिटरी फीडबैक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक जिससे कई लोगों को लैक्स लोगों को फ़ायदा हुआ है। इससे पब्लिक में बात करते समय कहीं भी फ्रेंड से कहीं भी आप इससे बहुत ईजिली बात कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा एडवांटेज का फ़ोन कॉल्स पर आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कई बार कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा यार, मैं कैसे बात करूँगा, तो आप डिलेड ऑर्डर फीडबैक से आप इतनी अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। बस इसके बारे में जानना है, इसमें क्या है कि इसका एक ऐप रहता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर आपको टाइप करना डिलेड ऑडिटरी फीडबैक, बस आपको इस नाम से डाउनलोड करना है। इसमें क्या है आपकी लैंग्वेज थोड़ा कुछ सेकंड के लिए डिले हो जाती है और फिर से आपको सुनाई देती है, जिससे इसमें आपको ईयरफोन का यूज़ करना, आप उसके बिना ये टेक्निक काम नहीं करती, तो इससे आप अपनी लैंग्वेज को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, भाई लैंग्वेज आपको फिर से सुनाई देगी, तो आप इससे बहुत अच्छी तरह से आपसे बात कर पाएंगे। आप खुद अप्लाई करके देखना, पब्लिक प्लेस पर कहीं भी बात करते समय, आप फ्रेंड से बात करते समय, आप इससे स्टैमिना आपकी 90% कम हो जाएगी। और दोस्तों फ़ोन कॉल्स पर इससे अपन ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब फ़ोन लगाते हैं तो उस वक्त ही काम नहीं करते ही आप, तो इसके लिए अगर आपको उस समय भी अच्छे से बात करना है तो आपको एक और फ़ोन साथ में रखना होगा, छोटा सा स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लीजिए 1500-2000 का, बस जिसमें वो 200 KB की एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड हो जाए बस, और आपको फिर एक फ़ोन से बात करना और दूसरे फ़ोन वो ऐप एक ईयरफोन लगा के, पहले कान में एक ईयरफोन और दूसरे कान में वो दूसरा फ़ोन लगा के आप बात करिए, देखना आप बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली बात कर पाएंगे, ठीक से बात कर पाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स मैंने सोची हैं और जिनके बहुत सारे बेस रास्ते निकाले हैं, जिसको मैंने अपने पेज पर लिख लेता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, इसलिए इसमें मैं इतने बताऊँगा। ऐसे एक और सबसे बड़ी बात इसमें कॉन्फिडेंस है, आप जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे, जितना लाइफ में खुश रहेंगे, लाइफ को जितना एक्सप्लोर करेंगे,
जितना घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से इन्वॉल्व होंगे, उतनी आप कॉन्फिडेंट बनेंगे लाइफ में और आपकी स्टैमिना के चांसेस भी उतनी कम होंगे। तो हमेशा खुश रहिए और लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए। ऐसे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अटेंडेंस स्किप की। लोग बागों की अटेंडेंस स्किप हो जाती है स्टैमिना के कारण, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं बोल पाते हैं, अब जैसे प्रेजेंट बोलना जो भी बोलना। तो मैंने इसके लिए भी पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ बहुत, जिसके कारण काफ़ी डिप्रेशन रहता लोगों में और डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं यार लोग हंसेंगे फिर से ऐसा हुआ। तो इसके लिए मैंने टेक्निक डिज़ाइन किए जिससे स्टैमिना बहुत आप अटेंडेंस बहुत ठीक से बोल सकेंगे, 90% आपकी स्टैमिनिंग कम हो जाएगी और आप बहुत ठीक से बोल सकेंगे। यार मैं उस टेक्निक को नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, वो टेक्निक जहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बहुत ईजी है, आप भी उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका फ़ायदा फील कर सकते हैं। और भी कई सारी टेक्निक है जैसे प्रोलोंगेशन, बाउंसिंग, फ्लुएंसी शेपिंग थेरेपी, मेट्रोनीम, रीअरेंजमेंट और सोलो लाउड, इसमें कुछ मेडिसिन भी। खैर वो तो डॉक्टर जान, खैर वो किसी काम की नहीं है, लेकिन जो टेक्निक्स है वो अपन इसकी बारे में वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।